ज पवन शर्मा एंड गाइस लेट्स अबाउट द इन एंड फ्रेंड्स फॉर ट्वेंटी में इस पहले थोड़ा सा हम निफ्टी का हाल चाल जानेंगे थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट के बारे में बात करेंगे बिकॉज इज़ हॉलिडे तो ग्लोबल मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है लास्ट इवनिंग और आज एशियन मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है ऑन दी बेसिस ऑफ दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर मूवमेंट इन निफ्टी ऑल्सो एंड फ्रेंड्स इफ यू एवं चैनल शुरुआत करते हैं निफ्टी से निफ्टी ने फिर से कल एक लाइफ टाइम हाई बनाया एंड फाइनली टीन 16,700 और उसके बाद में इट कुड नॉट सस्टेन दैट मोमेंटम और वापस से ऑलमोस्ट 150 पॉइंट 16,550 के अराउंड लो बनाया एंड देन क्लोज एट 568 16,568 तो ये तो हो गया क्लोजिंग और अगर हम बात करें मैक्रो डेटा की अगर हम बात करें माइक्रो डेटा की अगर हम बात करें रिजल्ट्स के बारे में या कोई भी ऐसा इशू जो मार्केट को ड्राइव कर सकता है ऑन द हायर साइड वो सब के सब पॉजिटिव है इनफैक्ट सी पी आई जिसको आप प्राइज इन्फ्लेशन कहते हैं डब्ल्यू पी आई 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 पी ऑटो सेल्स जो भी नंबर्स आप कहेंगे वो सब के सब पॉजिटिव रहे हैं एंड स्टिल मार्केट हैव सीन आन और सॉरी 150 पॉइंट फॉल यस्टरडे इट्स नॉट वीकनेस ये एक मार्केट जब लास्ट टाइम आपको याद है मैंने कहा था कि मार्केट जब 100 परसेंट से ऊपर चली जाती है संडे का वीडियो देखेंगे अगर आप मंडे जो हमने मंडे के लिए बनाया था आई पोस्टर ऑन संडे उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी मार्केट या कोई भी स्टॉक अगर लगातार हंड्रेड राइज कर जाता है उसके बाद वो वॉनरेबल हो जाता है वहां पर आने के बाद में इट माइट नॉट सस्टेन दैट मोमेंटम और एक प्रॉफिट बुकिंग आती है वीकनेस नहीं प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये प्रॉफिट बुकिंग आज हमें जो है कल के सेशन में देखने को मिली लेकिन ये कंटिन्यू करेगा नहीं ये हमें देखना पड़ेगा सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात वो है कि यूएस की मार्केट लगातार दो दिन से नेगेटिव चल रही है फेड ने कहा कि वो नया स्टिमुलस पैकेज के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं सो दैट्स वाई मार्केट है सेलिंग so मोड और लगातार दो दिन से काफी अच्छा आई थिंक फाइव पॉइंट्स के आसपास का फॉल आ चुका है एशियन मार्केट रेड में क्लोज हुआ है कंप्लीटली अगर हम बात करें एशियन मार्केट के बारे में So I स्क्रीन ऑन इन फ्रंट ऑफ मई निकई वन पॉइंट वन जीरो परसेंट स्ट्रेट टाइम्स वन पॉइंट फोर टू परसेंट हैंगशेंग टू पॉइंट वन परसेंट ताइवान टू और अगर हम बात कर रहे हैं यूएस uh, एस के फ्यूचर्स के बारे में वो भी इस टाइम नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं सो so ओवरऑल भी है ना नेगेटिव मार्केट लेकिन आज छुट्टी होने की वजह से आज का जो रात का जो क्लोजिंग रहेगा मतलब एशियन मार्केट तो क्लोज हो चुकी है लेकिन यूएस यूके मार्केट जब क्लोज करेंगी वो इंपैक्ट कर सकता है हमारे कल के मार्केट को मोस्ट प्रॉब्ली क्या हो सकता है मार्केट फॉल करेगा तो हमारा मार्केट भी जाएगा लेकिन उन्होंने अगर रिकवरी शो किया तो याद रखिएगा आज का जो भी रेड डेटा है वो हमारे लिए किसी मायने नहीं रखेगा कल मार्केट हमारा फिर से राइज करता है लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास में फिलहाल 16450 से लेके 16, का मेजर सपोर्ट है अगर ये लेवल ब्रेक होता है तभी मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग मोड आएगा विच कैन लीड टू सिक्सटीन थाउजेंड जो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि इसके ब्रेक होने के बाद ही यहां तक आप जो है अगला लेवल देखिएगा अदरवाइज हो सकता है इसी के आसपास ट्रेड करके फिर से बाउंस बैक करके इट माइट स्टार्ट ट्रेड अबाउट सिक्सटीन फाइव हंड्रेड और मे बी सिक्सटीन सिक्स हंड्रेड जो भी लॉस लेवल हो रिकवर करें तो यह था हमारा ग्लोबल ओवरव्यू तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है पेशेंस रखेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट इसके नीचे ब्रेक होती है तो वैसे तो हर लेवल पे हमारे पास सपोर्ट है 300 पे भी है 200 पे भी है 100 पे भी है 16,000 पे भी है लेकिन इस तरह के सेलिंग मोड में आने के बाद में सपोर्ट ज्यादा मायने नहीं रखता तो एक फॉल हो सकता है हमारे लिए 400-500 पॉइंट का जो करेक्शन हेल्दी करेक्शन कहलाएगी बिकॉज जब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगी नया इन्फ्लोस में आएगा नहीं तो उस हेल्दी करेक्शन हो सकता है आपको सिक्सटीन देखने को मिले चलिए बात करें अगर अब इंट्राडे के बारे में तो ये लेवल्स मैंने आपके लिए कुछ बना के रखे हुए हैं जो पहले भी थे लास्ट वीडियो में भी सेम लेवल से पहला है सेवन का तो ये तो आप छोड़ दीजिए अगला है हमारा सिक्स फिफ्टी का ये भी काफी ऊपर है अब इसको छोड़ सकते हैं नीचे का है फाइव हंड्रेड और आपके पास में ये है फाइव फिफ्टी और यहाँ फाइव एटी अगर आप नोटिस करेंगे अगर आ, कल का फ्राइडे को सिक्सटीन फाइव एटी वैसे तो मुझे एक्सपेक्ट है कि अगर एज ऑफ नाउ अगर इस टाइम की बात करें जब ये वीडियो बना रहा हूं दैट इज फाइव थर्टी अराउंड इस टाइम तक ये माना जाएगा कि मार्केट जो है गैप डाउन ओपन करेगी लुकिंग एट ग्लोबल सिचुएशन लेकिन जैसे मैंने कहा अगर रिकवर कर लिया यूएस यूके मार्केट्स ने तो ये गैप डाउन ना होके फ्लैट ओपनिंग भी हमें देखने को मिल सकती है तो अगर फ्लैट ओपनिंग आया पहली कंडीशन सकते हैं फ्लैट ओपनिंग तो फ्लैट ओपनिंग आया तो हम क्या करेंगे फाइव के ऊपर इसको बाय करेंगे रेसिस्टेंस अगर यहीं फेस करेगा तो आप यहां भी सेल करते हैं 580 से लेकर 600 के बीच में और अगर वो नीचे आ गई सपोर्ट लेता है फाइव हंड्रेड पे तो आप यहाँ पे उसको बाय कर सकते हैं लेकिन उसको ब्रेक किया तो यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हैं तो यहाँ बाय भी हो गया यहां सेल भी हो गया सिंपली यहां अगर सपोर्ट लिया तो बाय बनेगा और रेसिस्टेंस फेस किया तो सेल बनेगा तो ये तो हो गए हमारे फाइव हंड्रेड फाइव फिफ्टी फाइव एट्टी के लेवल्स अगर गैप अप हुआ और सॉरी गैप डाउन हुआ तो क्या सिचुएशन बनेगी तो मान के चलते हैं कि अगर वो फोर फिफ्टी के अराउंडीन फोर फिफ्टी के अराउंड अगर गैप अप करता है ठीक है सिक्सटीन फोर फिफ्टी के अराउंड अगर गैप अप आता है तो ये एक फ्लो नीचे बनेगा और फोर हंड्रेड पर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है तो अगर उसको सपोर्ट मिलेगा फोर हंड्रेड पे तो डेफिनेटली यू कैन बाय लास्ट वीडियो में भी कहा था कि बाय ऑन डिप इस टाइम काफी अच्छे बनेंगे तो अगर वहां सपोर्ट लिया तो बड़ी मूवमेंट आपके लिए बाई साइड में जाएगी लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक बार जाए ऊपर भागे 480 के अराउंड रेजिस्टेंस फेस करे और अगर वहीं रेजिस्टेंस फेस किया तो इतना ही बड़ा सेल आपके लिए मिलेगा आप बेहिचक होकर यहाँ पे बाय और यहाँ पे सेल कर सकते हैं और यही लेवल्स मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑफकोर्स मैं दो लेवल नहीं दे पाऊंगा तो मैं लेवल आपको वहाँ दूंगा जब हम फ्लैट ओपनिंग को लेकर बात करेंगे लेकिन अगर गैप डाउन हुआ तो नीचे की तरफ आप फोर का जो है सपोर्ट लेकर चलेंगे फोर को ब्रेक किया तो फर्दर सेल बनेगा टारगेट रहेगा थ्री वहीं पर होल्ड कर लिया या थ्री तक भी आप सोच सकते हैं कि अपना टारगेट फोर हंड्रेड को डिप करके थ्री फिफ्टी टच करे और वहीं पे होल्ड कर लिया तो वापस से आप बाय करेंगे एटलीस्ट हंड्रेड पॉइंट का राइज आपको देखने को मिलेगा बिकॉज तो बहुत से लोगों ने बाय किया वो वो नहीं चाहेंगे मार्केट एकदम डिप हो सो यू कैन बाय ऑन द लोअर साइड ऑल्सो लेकिन अगर राइज करेगा तो याद रखिएगा एक अच्छा सेल ऑन राइज आपको देखने मिलेगा विच कैन बी एज गुड एज सिक्स फाइव हंड्रेड के अराउंड वहां पर रेसिस्टेंस फेस करेगा तो आपको अच्छा सेल भी नीचे देखने को मिलेगा बात करें अगर बैंक निफ्टी के बारे में बैंक निफ्टी में कल का जो क्लोजिंग रहा है वो है 35 554, which means 550 मान लेते हैं 35, 550. याद है आपको कि पहला टारगेट हमारा जो है वो ये रहेगा यहाँ से फिर 850 का फिर 650 उसके नीचे हमारे पास में 35 500 के आसपास का सपोर्ट था वहीं पे होल्ड किया और एक बाउंस बैक किया तो ये सपोर्ट अभी इंटैक्ट है कल रात को हम ऐसी जो है जो हमारे सेशन चलते हैं वहां पे बैंक निफ्टी को हम जो है वीकली उसमें टाइम फ्रेम में चेक कर रहे थे तो वीकली टाइम फ्रेम में ऐसा लग रहा है कि जो हमारे पास में थर्टी फाइव थाउजेंड का लेवल है वो लास्ट सपोर्ट है मार्केट के के उसके बैंक निफ्टी के पास लास्ट सपोर्ट इसके बाद में थर्टी टू थाउजेंड वापस से आपको देखने को मिल सकता है अगर यहां होल्ड नहीं कर पाया वापस से थर्टी टू बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम में एक बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को बनता जा रहा है अगर उसने होल्ड कर लिया इस लेवल पे परफेक्ट अदरवाइज विल सी अ वेरी गुड फॉल मे बी इट कैन लास्ट अप टिल 32,000 आल्सो तो कोशिश यही रहेगी मार्केट की कि उसको नीचे ब्रेक ना किया जाए और वहीं से वापस से पुल बैक किया जाए तो अगर हम इसको इंट्राडे चेक करेंगे तो इंट्राडे में ऐसा लग रहा है कि थर्टी फाइव फाइव नीचे तो गैप डाउन होना ही चाहिए तो अगर ये थर्टी के ऊपर आ जाता है गैप डाउन ओपन होता है तो, तो हमारे लिए बाय बनेगा वहां पर थोड़ी देर स्टे कर जाएगा अच्छा बाय बनेगा उसको नीचे स्टे किया वापस से हिट करके और वापस से डिप लिया तो एक अच्छा सेल बनेगा तो ये लेवल तो हो गए हमारे पास में थर्टी फाइव फाइव हंड्रेड के फ्लैट ओपनिंग करी तो सिक्स फिफ्टी का हमारे पास रेसिस्टेंस है तो वो सपोर्ट बन जाएगा तो अगर इसके ऊपर जाता है होल्ड करता है तो आप वहां भी उसको जो है बाय कर पाएंगे और वहीं पर रेसिस्टेंस फेस करेगा तो वहां से भी आप सेल कर सकते हैं तो ये लेवल भी हमारे लिए दोनों लेवल्स का, का काम करेगा नीचे की तरफ हमारे पास थर्टी फाइव थ्री हंड्रेड का लेवल जो है एज ऐसा सपोर्ट काम करेगा तो अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन अचीव होगा डाउन तो के बाद एटलीस्ट तो आपको 300 400 पॉइंट का राइज मिलेगा लेकिन अगर वो ब्रेक हो गया उसके बाद में कोई सपोर्ट नहीं है उसके बाद सीधा मार्केट एक लेवल पर गिरेगा 35, तो इन्हीं लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आपको जो है कल कर ट्रेड करना है जो लेवल नीचे प्रोडक्ट है माई लेवल माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द वन विच आई एम एक्सप्लेनिंग बिकॉज एक ही लेवल्स में आपको बता पाऊंगा बाकी मैं काम करूंगा जो सेकंड लेवल्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा चलिए दैट्स फॉर बैंक निफ्टी फ्रेंड्स अगर आप ट्रेडिंग को सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं और आगे चल के प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम देन यू मस्ट नो ऑल अबाउट द टेक्निकल अनालसिस आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए बाइकअप करना है डिमांड सप्लाई का पता होना चाहिए सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्केट कहाँ ले रही है कब आपको फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करने चाहिए वेन टू एग्जिट फ्रॉम सो दैट आपको ज्यादा लॉस नहीं हो हाउ टू फाइंड एंड ट्रेड स्विंग ट्रेड अगर टाइम कम है तो आपको ऑप्शन से कैसे पैसे बनाना चाहिए ये सब नॉलेज आपके पास में होना बहुत जरूरी है एंड इन केस यू वॉन्ट टू लर्न ऑल दीज थिंग्स देन वी डू प्रोवाइड टेक्निकल ट्रेनिंग फॉर विच यू कैन व्हाट्सएप एंड इंक्वायर फर्दर फॉर आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टॉक सिलेक्शन में हमारा पहला पेक रहेगा जिंदल स्टील जिंदल स्टील को पिक करने का रीजन है स्टॉक ने फॉल किया फॉल करने के बाद में एक अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करी और यहीं पे उसने अपने आप को रोक लिया है दिस लेवल ऑफ़ 404 से लेके 400 का लेवल जो है वो इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये जो लेवल है ये सपोर्ट है अगर कोई भी स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास रहता है तो एक अच्छा उसको बेस मिल जाता है बाउंस बैक करने का अगर वो बाउंस बैक है, तो आप 408 के ऊपर इसको बाय कर, तो कर पाया ठीक है अदरवाइज अगला टारगेट थ्री रहेगा तो इंट्राडे में तो आप थ्री तक ही जा पाएंगे तो दैट्स वाई वी आर पिकिंग स्टील बिकॉज इट्स ऑन द सपोर्ट लेवल लास्ट रिजोर्ट है बाउंस करना है, करेगा नहीं तो वापस से देखने तो ये बन रहा है कि वापस नीचे गिरेगा बट मे बी इट माइट एबल टू होल्ड इट एट फोर हंड्रेड देन वी कैन सम बाय अदरवाइज वी विल बी गोइंग टू फॉर सेल ओनली इन जनरल स्टील अगला ट्रेड रहेगा हमारे पास आईसीआईसी बैंक आईसीआईसी बैंक में भी सिचुएशन वही है पहले फॉल किया और यहीं आके अपने आप को होल्ड किया है अगर आप देखेंगे यहां पे जो है 685 निकल के आ रहा है और यहां पे जो है 686 तो 685 के अराउंड वो है अपने आप को होल्ड किया है और यहां पे उसको रेसिस्टेंस मिल रहा है बिचे सिक्स नाइन्टी तो अगर कल आई बैंक 690 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है यहां पे मैं वही कहूंगा कि 690 के ऊपर ट्रेड करने दें इधर उधर में ट्रेड लीजिएगा अगर वो 690 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो वहां पे होल्ड कर लेता है तो एक अच्छा बाय बनेगा अगर यहां पर रेसिस्टेंस फेस किया तो वापस से ये जो लेवल है ये कंटिन्यू रहेगा और आई थिंक अगला टारगेट हमारा सिक्स का निकल के जाएगा इन स्विंग और अगर वो अपने आप को होल्ड कर लिया 685 एटी तक तो ठीक है अगर ये भी ब्रेक हो गया तो नीचे गिरेगा और कल के लेवल आई थिंक विच इट कैन बी इजिली फॉर 670 सेवेंटी ऑल्सो सो दैट्स इन आई बैंक अगला ट्रेड हमारे लिए रहेगा वो है एम सी एक्स एम सी एक्स ने क्या किया है कल एक बड़ा राइज लिया ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 1480 से लेके फिफ्टीन फोटी फाइव तो ऑलमोस्ट हमारे पास में एटी पॉइंट्स का राइज है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया एंड Once again it came back to 1500. 1500 1500 तो तो सिर्फ 20 point का 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 मिला है. है. उसके लिए अब का काम करेगा. आज का closing 1504 का है, तो 1500 जो है उसके लिए support का काम करेगा. जो आज मैं आपको स्टॉक दे रहा हूं उसमें कहीं ना कहीं हमारे पास मैक्सिम स्टॉक सपोर्ट पे है उनका जो है रेसिस्टेंस है वो बहुत क्लोज है तो अगर वो हिट करके नीचे जाता है तो बहुत अच्छा हमें सेल मिलेगा और ब्रेक हुआ तो बहुत अच्छा बाय भी मिलेगा तो अगर ये जो है फिफ्टी का लेवल होल्ड कर लेता है पॉजिटिव well अच्छा मोमेंटम है, है तो उतना ही अच्छा राइज हमें कल देखने पॉइंट्स आप यहां देख रहे हैं ना आराम से कह सकता हूँ आपके फिफ्टीन फिफ्टी तक जा सकता है अगर वो फिफ्टीन हंड्रेड को होल्ड कर लिया लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है देन सी फर्दर फॉल दैट विल गो टू फोर्टीन एटी फोर्टीन सिक्सटी बिकॉज ले लेवल सपोर्ट की तरह काम नहीं कर पाया और स्टॉक में वीकनेस आ गई उसके बाद जहां से जर्नी शुरू होती है उतना ही फॉल हमें नीचे देखने मिलेगा इन एम अगला ट्रेड हमारे पास में है वो है लुपेन लुपेन का सबको पता है आफ्टर दिस रिजल्ट लगातार लुपेन गिर रहा है लेकिन गिरने के बाद में क्या हो गया है कुछ टाइम से लुपेन अपने आप को होल्ड कर रहा है यहां नीचे गिरा था एक लो बनाया फिर से राइज किया कल वापस से उसने एक नया हाई बनाया है तो अगर ये लेवल जो है विच इज 968 या 965 कर लीजिएगा ये लेवल जो है ये अभी उसके लिए सपोर्ट है अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमारे पास में पहला टारगेट निकल के आएगा 955 का और उसके नीचे हमारे पास में इट कैन इजली गो टू 945 आल्सो अगर वो अपने आप को यहाँ होल्ड कर गया तो लेकिन अगर इसने अपने आप को यहाँ पे होल्ड किया और राइज होना शुरू हो गया तो हमारे लिए ऊपर की तरफ 1000 के लेवल जल्दी देखने मिलेंगे फार्मा सेक्टर में बहुत अच्छी बाइंग बनती जा रही है बस ये देखना है कि फार्मा सेक्टर अपने क्रुशियन लेवल पर होल्ड कर ले तो ठीक है अदरवाइज फॉल आएगा और उसने होल्ड किया तो मल्टी ईयर का जो है वापस से राइज आपको देखने मिलेगी आई विल बी एनालाइजिंग दिस ऑन टूमारो वीडियो ताकि आपको जो वीकेंड पर कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके सो दिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स अवेलेबल है जिनको आप यूज कर सकते हैं और फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग इन्क्वायरी यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन अ डिस्क्लेमर गाइस दैट ऑल दिस वीडियो बी आई क्रिएट फॉर एजुकेशन पर्पसेस इफ आर टेकिंग इट टू माय रिकमेंडेशन डू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग दोस टेक केयर डे